मेरा नाम विजय कुमार है और मैं सखी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और जिधर भी मैं जाता हूँ उधर राधे राधे कहता हूँ। बाबा जी के मंदिर में जब से आया हूँ, जब मैं आरती करता हूँ तो मुझे ऐसे मालूम होता है कि जैसे साईं राम जी मेरे साथ ही खड़े हैं, और जब मैं इनको स्नान कराता हूँ, इनके वस्त्र बदलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये सच मुझ में ही बाबा जी मेरे पास बैठे हैं, मैं इनके साथ प्रेम करता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी संगत और यहाँ पर आती है और कीर्तन सत्संग करती हैं, जो जहाँ पर बाल गोपाल बच्चे छोटे आते हैं मुझे उनमें भी भगवान का रूप ही नज़र आता है। मैं बच्चों के साथ भी भगवान के रूप में ही प्रेम करता हूँ और बच्चे भी मेरे संग बहुत खुश रहते हैं। और आने वाले जितने भी यहाँ पर यात्री हैं जो मेरे से छल्ला ले जाते हैं उनको भी आराम होता है, जो फांडा करा जाते हैं वो भी बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए साईं राम की जय। मेरे जो इष्ट हैं वो भगवान श्री कृष्ण और राधा हैं, और मैं 2.25 साल वृंदावन में रहकर आया हूँ, और वहाँ पर मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि जब मैं अमृतसर जाऊँ तो मेरा इंतजाम करके भेजना। तो भगवान ने ऐसा ही किया, जब मैं अमृतसर में पहुँचा तो मुझे साईं जी का मंदिर मिल गया, और साईं जी के मंदिर में आए हुए मुझे 1 साल हो गया है। यहाँ पर मैं साईं जी का कीर्तन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, और यहाँ पर हर प्रकार का फांडा होता है और कमर की दर्द का छल्ला मिलता है, और किसी को अगर सर्वाइकल हो तो उसका भी छल्ला मिलता है, बवासीर की दवाई भी दी जाती है, और यहाँ पर हर प्रकार का दादा बनता है। और बाबा जी की बड़ी कृपा है और उन्होंने हमको अपने चरणों में लगा के रखा है, और मैं बाबा जी के हृदय में ही अपने गुरु को, अपने राधा कृष्ण को देखता हूँ हर वक्त। मैं बाबा जी की जब सेवा करता हूँ मुझे ऐसे मालूम होता है कि जैसे ये मेरे हृदय में ही वास करते हैं, और रात को जब मैं कभी सपना भी लेता हूँ तो मुझे बाबा जी का सपना ही आता है, और मेरे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं उनमें मुझे बाबा जी का स्वरूप ही नज़र आता है। जो संगत यहाँ पर आने वाली है वो भी बाबा का ही स्वरूप है, और मुझे यहाँ पर इनकी सेवा करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। और मैं अंजू दीदी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बाबा जी के चैनल को चलाया है, और इनका वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, भगवान उनको दिन दूना रात चौनी तरक्की दे। और हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको बार बार श्रेणी में अपने चरणों में बुलाते रहें।